गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो के पहले जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसमें हमने चैप्टर कंप्लीट किया था शब्द परिचय फर्स्ट। उसके अंतर्गत अकारांत शब्द आए थे, जैसे चषक है, सोचिक है ना, इस तरह के शब्द आए थे। तो उसी के आगे हम लोग ये करते हुए जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें सिर्फ उच्चारण है तो उन शब्दों को बोलना है। तो उसी तरह से अब उसका ख है जिसके अंदर एक कृषक बना हुआ है। कृषक मतलब होता है किसान। कृषक किसान जो होता है, किसान को हम लोग इसी तरह से बेटा जैसे पहला शब्द दिया हुआ है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, कृषक है। कृषक है मतलब पहला दिया हुआ है किसान। उसी तरह से देखिए वृषभ, वृषभ यानी कि बैल, ठीक है, वृषभ यानी कि होता है बैल, ठीक है, ये देखिए बैल बना हुआ है। उसी तरह से देखिए भल्लुक है, भल्लुक है का मतलब होता है भालू, ठीक है। उसी तरह से दूसरा देखिए मेंढक बना हुआ है, तो मेंढक को हम लोग बोलते हैं संस्कृत में मंडुक है, ठीक है। फिर इसी तरह से ये कबूतर बना है तो उसको बोलोगे कपोत है, ठीक है। फिर पर्यंक देखो, ये पलंग बना है, इसको बोलती है पर्यंक। ये जो अण है और जो ये अण है हमारा, ठीक है, जो अण है उसको हम लोग इसके नीचे क जोड़ देते तो पर्यंक बन जाता है। इसी तरह से देखिए दूरभाष, देखो पहले के ज़माने में हमारे, पहले के ज़माने में हम लोग जब इनको यूज़ करते थे इन फ़ोन को, तो इन्हें क्या बोलते थे, दूरभाष। इसी तरह से देखिए कौवा, काक है, कौवे को क्या बोलेंगे, काक है संस्कृत में। उसी तरह से सोचिक है, क्या बोलेंगे, सोचिक है। इन्हें मतलब दर्जी को जो सिलाई करता है उसे हम सोचिक है बोलते हैं। ये हमारे चैप्टर में भी आ चुका है पहले से ही, ठीक है। इसी तरह से देखिए वर्ण संयोजनेन पदम, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, वर्ण संयोजन करके हमको क्या करना है, पद लिखना है, यानी कि शब्द लिखना है। तो इसी तरह से देखिए आप लोग च अ श अ क अ, ठीक है, एक बार मैं आपको अंडरलाइन करके बता देती हूँ। देखो च अ श अ क अ है, चषक है। इसी तरह से देखिए स औ च ई क अ है, सौचिक है। इसी तरह से देखिए श उ न प्लस अ प्लस क प्लस औ, शुनकौ, ठीक है। फिर देखिए ध आ व अ त अह, धावत है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, आगे के शब्द देखेंगे। जैसे दिया है हमें वृद्धा शब्द, ठीक है, वृद्धा शब्द बना, तो व्री व बनाएंगे क्योंकि री अलग है, तो व के नीचे हलंत लगाएंगे, ठीक है, और इसको हम लोग ब्रश की सहायता से समझ लेते हैं और मैं आपको अंडरलाइन करके समझा देती हूँ। वृद्धा, तो ये हो जाएगा वृद्धा। इसी तरह से देखिए ग आ य, ग आ य अ न प्लस त ई, गायंती, ठीक है। इन शब्दों का तो क्या था हमारे पास में, विच्छेद था और हमको इन्हें शब्द बनाना था। इसी तरह से नेक्स्ट इसका जो पार्ट है ख, उसमें पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, पदों का वर्ण विच्छेद करके हमें बताना है। यानी कि आपको जो ये शब्द दिया हुआ है, इसको मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपको शब्द दिया हुआ है लघु, ठीक है, इसके ये टुकड़े किए ल प्लस अ यानी कि ल बन गया, ठीक है, ये देखिए ल बन गया, और य प्लस उ, द प्लस उ यानी लघु, ठीक है। इसी तरह से सीवियती शब्द है, इसका मैंने वर्ण विच्छेद किया हुआ है, इसको आप देखिए स हलंत वाला प्लस ई प्लस व प्लस य प्लस अ प्लस त प्लस ई, सीव्यति। इसी तरह से देखिए वर्णा शब्द लिखा है व अ ण र आ, वर्णा, ठीक है। इसी तरह से देखिए कुकुर शब्द, इसके अंदर देखिए दो क दिए हैं, एक क है आधा, ठीक है, तो ये देखिए क उ क आधा, फिर क फिर उ फिर औ, ठीक है, तो ये शब्द है इसमें, ठीक है। इसी के अंतर्गत देखिए आप लोग कुकुर हो गया, अब देखिए मयूरा शब्द है ये हमारे पास में, क्या है, मयूरा शब्द, ये देखिए
मयूरा शब्द दिया हुआ है। अब ये देखिए, मैं अ ये उ र आ मयूरा, ठीक है। तो ये शब्द हो गया हमारा मयूरा। मयूरा यानी होता बहुत सारे मोर। अब देखिए बालक है शब्द दिया है नेक्स्ट। तो देखिए ब आ ल अ क अह, तो जो ये विसर्ग आते हैं लास्ट में, ये जो दो डॉट्स आती है, इनको हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? विसर्ग, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए, हम लोग संस्कृत के अंतर्गत उदाहरण दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत। अब इस क्वेश्चन का अर्थ होता है उदाहरण को देखिए और रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। यानी कि इसमें कई आपको ऐसे शब्द दिए हैं, पहला एकवचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि संस्कृत के अंतर तीन तरह के वचन होते हैं, जैसे पहला चषक है, फिर है चषकौ और चषकः। इसका मतलब है वन, इसका मतलब है दो चीज, और इसका मतलब है बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी अनेक चीज़ें हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए बलिवर्द है एक बैल, बलिवर्दौ दो बैल, और बलिवर्दा बहुत सारे बैल, ठीक है। फिर देखिए मृग, मृग का मतलब एक हिरण, मृगऊ मतलब बहुत सारे हिरण, और मृगा मतलब बहुत सारे हिरण, मृगऊ मतलब दो हिरण, ठीक है। अब है शौचिक है यानी दर्जी, शौचिकौ यानी कि दो दर्जी, और शौचिकः मतलब बहुत सारे दर्जी। अब देखिए मयूर है, मयूर है का मतलब एक मयूर यानी एक मोर, मयूरौ यानी कि दो मोर। मैंने आपको पहले भी जब क्लास हुई थी तब मैंने कहा था जब ये औ की मात्रा लगती है तो इसका मतलब होता है कि दो चीज़ें, दो चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी, दो मोर और मयूराह यानी कि बहुत सारे मोर। अब देखो चित्रों को देखकर हमें इनके संस्कृत में नाम बताने हैं। तो हाथी को हम लोग संस्कृत में कहते हैं गज है, क्या बोलते हैं? गज है। और कौवे को बोलते हैं काक है, क्या बोलते हैं? काक है। और चंद्रह को बोलते हैं चंद्र, चंद्र को चंद्र बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर पढ़ा और सेकंड पार्ट में हमने इसके क्वेश्चन आंसर करे। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ओके।